नमस्कार, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय से। आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित केशवदास के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। केशवदास के प्रथम पद में श्री राम की वंदना की गई है। प्रस्तुत पद्यावतरण में केशवदास की रामचंद्रिका से लिया गया है। इस पद में केशवदास ने श्री राम के अनिर्वचनीय महत्व को प्रतिपादित किया है। केशवदास के अनुसार श्री राम पूर्ण पुरुष हैं और उनकी पूर्णता के विषय में वेद, पुराण, दर्शन आदि वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। प्रस्तुत है पद की व्याख्या। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। कवि केशवदास श्री राम की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि संपूर्ण पुराणों में श्री राम को पूर्ण पुरुष माना गया है। इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो राम की महानता के विषय में पूर्ण हो, अर्थात राम के पूर्ण स्वरूप को कि वह ईश्वर की निर्गुण ब्रह्म के परिपूर्ण रूप के प्रतीक हैं और वह स्वयं ही राम हैं और वह ही पूरी तरह से संपूर्ण पुरुष हैं। ये 18 पुराणों में वर्णित किया गया है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन उक्ति को। छओ दर्शन, पूर्ण पुरुष श्री राम का वर्णन करते हुए भी राम के बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं और ये छओं दर्शन सांख्य योग वेदांत मीमांसा ये आदि सभी स्पष्ट रूप से राम का वर्णन करने में असमर्थ रहे हैं। नेति नेति कही वेद छाड़ी आन उक्ति को, और जो चार वेद हैं वो वेद भी समस्त भेद युक्तियों को छोड़ करके ईश्वर को न इति यानी इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं है ऐसे कह कर के अन्य कोई मत के विषय में चुप हो जाते हैं और कोई अन्य उक्ति अन्य कथन कहते ही नहीं हैं। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशवदास कवि कहते हैं कि मैं यह बात जानता हूँ, पुराणों में भी, वेदों में भी, दर्शन में भी, सब लोगों ऋषि मुनियों ने अनंत साधना के बाद उस राम को पूर्ण पुरुष बताया है। यह बात मैं जान गया हूँ और यह जान कर के ही रात दिन राम राम रटता रहता हूँ, और राम राम के बार बार रटने से उत्पन्न पुनरुक्ति दोष से भी नहीं डरता हूँ। रूप देही अणिमाही, गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमाही, नाम देही मुक्ति को। कि श्री राम के रूप का चिंतन उन्हें अणिमा नामक सिद्धि देने वाला है, राम के गुणों का वर्णन गरिमा नामक सिद्धि देने वाला है, और राम की भक्ति महिमा नामक सिद्धि प्रदान करने वाली है। उस राम के नाम का स्मरण मात्र सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति को प्रदान करने वाला है।
प्रस्तुत पद में केशवदास ने ईश्वर के प्रति, जिनको यहाँ उन्होंने राम कहा है, उन राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को दिखाया है और उनके अनुसार राम जो अंतिम ईश्वर निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, जिसे अन्य कवियों ने वर्णित किया है, उन्हीं को उन्होंने पूर्ण पुरुष माना है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेति नेति और राम राम जैसे शब्दों में पुनरुक्ति दोष है या पुनरुक्ति दोष का प्रयोग हुआ है। नवधा भक्ति का परिचय केशवदास ने यहाँ दिया है। नवधा भक्ति श्रवण स्मरण गुण कीर्तन चरण सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन होती है। इस पद में 8 प्रकार के सिद्धियों का भी वर्णन किया गया है। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व और ईशत्व। केशव यहाँ राम की कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्ति का सुंदर वर्णन कर रहे हैं।